दोस्तों आप सभी का मेडिकल न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में मेरा नाम है नीरव। आज भी मेरे पास 9 कमाल के मेडिकल न्यूज है जो मैं आपके साथ ही वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना और आप क्या सोच रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है COVID-19 एंटीबॉडी टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कोरोना को हराने के लिए इम्यूनिटी है या नहीं। जानने के लिए कोविड एंटीबॉडी टेस्ट ही एक रास्ता है। बुक करने के लिए आपको लिंक जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बुक कर लो, घर से फ्री में सैंपल कलेक्ट होगा, सैंपल कलेक्शन चार्ज नहीं लगेगा एंड ईमेल पर रिजल्ट विद इन 48 आवर्स आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ जो जुड़ा हुआ है रिकवरी रेट के साथ। यहाँ पे इंडिया का रिकवरी रेट जो है वो बढ़ के हो चुका है 95.21%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ जो जुड़ा हुआ है एक्टिव केसेस के साथ। टोटल एक्टिव केसेस जो है बचे हुए हैं 3,32,002। यहाँ पे केसेस भी डेली डाउन हो रहे हैं क्योंकि इंडिया का रिकवरी रेट बढ़ रहा है। कल 95 को क्रॉस किया था और मुझे लग रहा है कि यही मंथ में 96 भी जो है वो क्रॉस कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ जो है टोटल डेथ्स के साथ। इन टोटल जो अब तक 1,44,096 डेथ्स जो है वो रजिस्टर हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है टोटल एक्टिव केसेस लोड के साथ। तो यहाँ पे जितने भी केसेस इंडिया में रजिस्टर हुए थे उसमें से 3.34% केसेस ही जो है वो अभी एक्टिव है, बाकी के रिजॉल्व जो है ना वो हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है सिप्ला के साथ। यहाँ पे सिप्ला ने कल जो है वो इंडिया में COVID-19 एंटीजन रैपिड किट खुद की लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है सऊदी अरेबिया के साथ। यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है वो आने वाले 3 से 4 दिनों मतलब शायद से नेक्स्ट मंडे से वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट कर देगा, मतलब जनरल पब्लिक को वहाँ पे वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ जो है नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि उन्हें कोरोना की वैक्सीन जो है वो जनवरी 2021 में मिलेगी। कौन सी मिलेगी वो नहीं बताया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है भाई यूएस के साथ। यहाँ पे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर माइक जो है उन्हें कल जो है वो व्हाइट हाउस में कोरोना की वैक्सीन जो है ना वो मिलने वाली है। कौन सी मिलेगी? फाइजर बायोनटेक, क्योंकि अभी तक मॉडर्ना अप्रूव नहीं हुई है। और आज जो है तारीख हो चुकी है हमारे सामने 17। आज जो है वो USFDA की पैनल मीटिंग हुई जिसमें डिस्कशन होगा मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में। तो कल मैं डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा, तो कल का वीडियो मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है अगेन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। यूएस में जो है वो पास्ट 24 आवर्स में 3,700 डेथ जो है वो रजिस्टर हुई है और उसके सामने 2,50,000 नए केसेस जो है ना वो सामने आए हैं। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि यूएस जो है उसमें पॉपुलेशन इंडिया से कम है, यहाँ पे लाइक बहुत लोग साथ में रह रहे हैं फिर भी यहाँ पे केसेस कम है और वहाँ पे ज़्यादा है। कुछ मुझे आप समझ ही जाओगे। ऐसा लगता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।